अभी 20 मिनट पहले अनाउंसमेंट हुआ है, देख लो, चेक कर लो। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों श्रीलंका के खिलाफ वनडे स्क्वाड में है, है और है। अच्छा ठीक है, सूर्य कुमार यादव भी ठीक है, उसने पहले भी की हुई है कैप्टनसी, और वो बेसिकली जो अभी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, ये सूर्या ने वो कैच नहीं पकड़ा था, वो ट्रॉफी कैच की थी। नहीं, यंगस्टर से तो नहीं भरा हुआ, लेकिन उनके जो ये तीन चार प्लेयर है ना, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल, ये बड़े अच्छे प्लेयर है। ये तीन चार प्लेयर जो है ना उनके, ये मतलब इन्होंने काफी क्रिकेट खेली हुई है। राशिद, रोहित शर्मा और विराट कोहली इनिशियली इन्होंने एक्सक्यूज किया था कि हम नहीं श्रीलंका वाला टूर खेलेंगे, लेकिन बीसीसीआई ने इनको कहा कि जी आप खेलें। So that's how रोहित शर्मा और विराट कोहली अग्री कर गए। पर्सनल रीजंस हैं तो हार्दिक पांड्या ओडीआई स्क्वाड में नहीं है, ये दूसरी चीज है। और जो एक हमें तीसरी इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन है इवन वनडे स्क्वाड में। गौतम गंभीर की पहली सीरीज है, वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेंगे, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि श्रीलंका के अंदर एज ए हेड कोच जो उनकी पहली असाइनमेंट है वो 100% सक्सेसफुल साबित हो। तो गौतम गंभीर फिर आप देख ले, रोहित शर्मा भी आ गया, विराट कोहली भी आ गए हैं, और श्रीलंका के हिसाब से मेरे तो दोनों जो फॉर्मेट्स में टीम्स हैं वो तगड़ी हैं। कोर एंगल ये है कि गौतम गंभीर ऐसे लोगों को कप्तान देखना चाहते हैं जो वीक करेक्टर हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव। मतलब कि सूर्य कुमार यादव ने अब कप्तान बनना है, गौतम गंभीर ने जाहिर सी बात उन्हें बनवाया है, तो उन्होंने गौतम गंभीर के अंडर रहना है। जो मैं आपको पिछले कुछ टाइम से बात करता रहा हूं कि टीम में एक होंडा होता है, तो फिर वो जब फिर एक ही डोमिनेटिंग पर्सनलिटी होगी स्काई और गौतम गंभीर, गौतम गंभीर इज डोमिनेटिंग पर्सनलिटी, फ्यूचर कैप्टन गिल, गिल एंड गौतम गंभीर में जाहिर सी बात है गौतम गंभीर इज डोमिनेटिंग पर्सनलिटी। तो ये जो इंडियन क्रिकेट के ये दो तीन बड़े फैसले हुए इनमें बहुत सारे एंगल्स हैं। हार्दिक पांड्या का मैंने आपको कसूर बताया कि वो जब कप्तान बनते हैं वो बहुत फेल जाते हैं, वो फिर इंडियन क्रिकेट को जो है ना अच्छा नहीं लगता, जैसे वो कभी कभी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, वो उनकी क्रिकेट में के कद में बहुत इजाफा हुआ है, फैंस का उनके साथ और इमोशनली कनेक्शन बना है, बट वो जैसा फैलते हैं और जिस तरह का वो बातें कर जाते हैं कभी कभी, वो इंडिया की क्रिकेट की जो है ना उस तरह से सूट नहीं करती। वो नहीं देखें, ऋषभ पंत तो वही टीम में है, खेल राहुल टीम में इनकी तरफ, ऋषभ पंत आए वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, शुभमन दुबे नजर आ रहे हैं यहाँ पे आपको, और वाशिंगटन सुंदर आए जडेजा की जगह कह सकते हैं, रेहान पराग नजर आ रहे हैं एक आपको, और खलील आसिफ राणा, इसमें मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह मिसिंग है, ठीक है ना, शायद ऑस्ट्रेलियन सीरीज मेन है, टेस्ट सीरीज है ना, अब शामी का नहीं पता कि कितने फिट होंगे जब तक, ये ना टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए बहुत सारे प्लेयर्स को इन्होंने थोड़ा सा रेस्ट दिया हुआ है। और ये कुलदीप यादव T20s में नहीं है, जो कि हैरत हुई मुझे, अभी रिसेंट परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं वनडे में, आए कुलदीप, इतनी हैरत नहीं किया करें डॉग, वो अपनी प्लानिंग से चल रहे हैं कि किस तरह से हमें आपको लेके चलना है वनडे। अब T20 हो गया खत्म, अब ये बिल्ड कर रहे हैं T20 की टीम अपनी, यंग करेंगे अगले वर्ल्ड कप के लिए करेंगे, अभी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं वनडे में, वनडे चैंपियंस ट्रॉफी कहीं पर भी खेलें, पाकिस्तान में खेलें, पाकिस्तान से बाहर खेलें, लेकिन अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए रोहित को भी नजर आ रहे हैं आप, और ये सीनियर टीम है, शुभमन गिल वापस आए, विराट है, KL राहुल है, शरद अय्यर है, ऋषभ पंत है, तो आपके भाई इनकी बैटिंग तो पूरी आ गई, रेहान पराग एक नया प्लेयर है जो कि मिडिल ऑर्डर में होगा, वाशिंगटन सुंदर है नया प्लेयर जडेजा की जगह, बाकी टीम तो जडेजा भी आ सकते हो, वनडे से रिटायर नहीं हुए वो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गंभीर भाई का अपना ही स्वैग, अच्छा गंभीर भाई कोहली साहब को तो वापस ला रहे, ये बात तो पक्की कि उन्होंने कोहली साहब को बोला कि भाई आप देखिए आपके फैंस जो है ना वो बड़े नाराज हो जाएंगे मुझसे अगर आप 100 सेंचुरी कंप्लीट नहीं करोगे, आपको 100 सेंचुरी कंप्लीट करनी पड़ेगी और मैं करवाऊंगा आपसे, और हम भी यही चाहते हैं। देखो मैं गौतम साहब के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल जबरदस्त बंदे हैं वो, और जब तक वो कोहली की 100 सेंचुरी नहीं करवाते मेरे दिल को सुकून, मैं कोहली फैन हूं और मुझे पता है कि जितने भी लोग यहां पर विराट कोहली के फैंस हैं सबको कोहली की 100 सेंचुरी चाहिए, और 100 नहीं चाहिए 110 चाहिए, और उसके लिए क्या होगा कि विराट भाई को जो है खेलना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा मैचेस, और विराट भाई के मूड को हम जानते हैं, उनका आजकल मूड हो रहा है रिटायरमेंट का कि भाई मैं इंटरनेशनल ग्रेड से बिल्कुल ही रिटायर हो जाऊं, तो विराट भाई इस तरह नहीं कीजिए, देखिए आपकी 100 सेंचुरी या 110 सेंचुरी जो आपने बनानी है वो बनाइए, फिर आप भले चले जाइए। कोहली और रोहित शर्मा डेफिनेटली यार कोई भी दुनिया का कोच होगा, दुनिया का कोई भी कोच हो, कोई भी कोच हो, चले तो गौतम गंभीर है। और आप लोगों को याद करा दूं मैं कि हम जो गौतम गंभीर को कोच बनाने की बात हुई थी, तो हमारी जो मुद्दा था असल में वो ये था कि चैलेंज जो है वो गौतम गंभीर के ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो गौतम गंभीर के ऊपर है, खिलाड़ियों पे नहीं है, खिलाड़ी तो परफॉर्मर है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 दफा फाइनल खेले हुए, वर्ल्ड कप का फाइनल इन्होंने खेला हुआ, एशिया कप रोहित शर्मा ने जीता हुआ, T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा जीत गया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे, प्रूफ इसको करना है गौतम गंभीर ने भाई ना, बात वहीं पे आती है कि उनका क्रिकेट लेवल बहुत ऊपर है, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज है, उन्होंने अपनी एक पाथवे ऐसा बना लिया जो उसमें से शफल होके आता है तो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, इधर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। अब वुमेन क्रिकेट हमारी जो है चलो लेट है स्टार्ट हुई है, उनकी पहले से है, उनकी 3 से 4 जो प्लेयर हैं वो बहुत अच्छी प्लेयर हैं और वो हमने हमेशा उनसे मैच हारा ही है, कल देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसमें भी हमारी काफी प्लेयर्स के रीत क्यों नहीं टूटती, हम मेल से भी हार जाते हैं, हम फीमेल्स की बात आती है उससे भी हार जाते हैं, से भी हार जाते हैं। और फिर अभिषेक शर्मा को अगर आप
एटलीस्ट T20 का हिस्सा नहीं बनाते, ठीक है? आप उसको शामिल ना करें ओडीआई में, ओडीआई में जो आपने टीम बनाई है उसके उसके ऊपर उतने उस तरह के एतराज मुमकिन ना किए जाए, लेकिन कप्तानी पे, वाइस कैप्टनसी पे मुमकिन है उसके ऊपर भी एतराज किया जाए। लेकिन यहां पे मैं समझता हूं कि ये जो काम किया गया है, दो ये प्लेयर्स खासतौर पर इनको टीम का हिस्सा ना बनाना, भाई मेरी समझ से तो बालातर है। मुमकिन है हमारी क्रिकेट की समझ बहुत कम है और जो नई मैनेजमेंट है उसकी समझ बहुत जबरदस्त है। मैं तो ये समझ रहा था कि जिस तरह की अप्रोच अभी तक हमने गौतम गंभीर की देखी है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और उसके बाद उनके कोचिंग कैरियर में भी और खासतौर पर रिसेंटली जो आईपीएल उन्होंने खेली है उसमें हमें जो चीज नजर आई है, आईपीएल उन्होंने कोचिंग की है केकेआर की, हमें जो चीज नजर आई उसमें हमें लगा कि ये बड़ा अग्रेसिव माइंडसेट रखते हैं। लेकिन अगर आप, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, शुभमन गिल को कप्तान वाइस कैप्टन बनाते हैं और अपना फ्यूचर का कैप्टन बना रहे हैं इन बोथ फॉर्मेट्स, तो फिर मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि ये मामला ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में जो पांड्या है उसके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, ज्यादती है उसके साथ, और ये वो कंटिन्यूटी है जो पहले उसके साथ आईपीएल में हुई, अब वो आपको टूर्नामेंट जितवाने वाला है, वो वर्ल्ड कप जितवाने वाला है भाई, आपको उसके ओवर को आप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से निकाल दें, इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता था। 15 साल से जानता हूं मैं, जब विराट कोहली 14-15 साल के थे, जब से जानता हूं गेम ने, फेम ने और कप्तानीनों ने चेंज कर दिया। अच्छा भाई, दरक पढ़े लिखे लोग भी होते हो या सारे ही होते हो, कुछ अपने यार बादशाह मजाइया होते हो। अच्छा, विराट कोहली कप्तान इंडिया बन के ऐसी लल्लू बंजू बना रहे, लल्लू बना रहे, हर किसी को जस्टिफिकेशन दे, बेटा मैंने तुझे यूं नहीं लिया, सर मैंने इंडिया का कप्तान था तो वो क्या तुझे फोन करे, तुझसे बड़े परफॉर्मर मौजूद थे जो क्रिकेट नहीं खेल सके, चेन वॉन समझ रहा है तू अपने आप को मरूम? तूने क्या विराट को क्या इरफान पठान समझा हुआ है? तेरा इरफान पठान वाला भी किस्सा पता है मेरे को? बहुत किस्से हैं। तूने जो लोचे डाले हुए ना मार्केट के अंदर, ये पता है मेरे को? अबे उंगली डाल, इरफान पठान हमेशा क्रिकेट के पॉइंट्स बताता है वो शख्स, इरफान पठान हमेशा क्रिकेट के पॉइंट्स बताता है, या मोहम्मद कितने पेशाब में बात है विराट कोहली ने तेरे जैसे क्रिकेटर, अबे तू साले उस पे बात करेगा? शर्म नहीं आती है आप लोग यार, ये इन चीजों को आप लोगों ने लिख लिख के 2 दिन से तंग किया हुआ था, वो 9-10 मुहर्रम थी, मैंने भी दिमाग बना लिया तो ध्यान में रह गया, आप लोग लिख रहे थे ना सब। मैं ज्यादा भाई, असल में अमित मिश्रा को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अमित मिश्रा देखे, मैं किसी को इंटरव्यूअर को भी कुछ नहीं बोलूंगा, देखिए अमित मिश्रा को किसी के शो में जाकर कैसे टीआरपी मिलती, वो क्रिकेट की बातें बताते कि मैं जब भारत से वर्ल्ड कप खेला, खेला ही नहीं है वो, नहीं तू उसके पास कोई टी20 नहीं है। जब वो नवीन उल्लास वाला मामला हुआ था तू तो उस टीम में था, लखनऊ की, खेल गया था, खेल गया था ना, कहता मेरा उस वक्त बोलता ना साले, तुम्हें जवाब बेटा, देखो तुम्हें जवाब विराट क्या देगा, विराट की चक्कर में विराट विराट टीआरपी देंगे, विराट मारेगा जवाब, दूसरे के भी काबिल नहीं हो तू विराट का, समझे? इसे जवाब दिया है यश दयाल ने, मेरा एरोगेंट है तुम्हें यश दयाल की हिस्ट्री पता है, आज उसने तुम्हें क्या दिखाया इंस्टा पे और इस पे और कोहली कड़ा। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेज श्रीलंका का T20 का स्कोर अनाउंस कर दिया है। हमारे जो नए हेड कोच हैं गौतम गंभीर, उन्होंने ये स्कोर अनाउंस किया है और इस स्कोर के अंदर उन्होंने सूर्य कुमार यादव को नया T20 का कैप्टन बनाया है टीम इंडिया का श्रीलंका की सीरीज़ के लिए, और हमारे जो वाइस कैप्टन है वो शुभमन गिल को उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया है। इस स्कोर के अंदर भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो है वापसी हुई है, और आप सभी को तो पता है विराट कोहली ने भी जो है T20 का से रिटायरमेंट लेने का प्लान बना लिया था, लेकिन गौतम गंभीर उन्होंने फिर से वापस लेके आ रहे हैं और T20 के अंदर वो खेलेंगे। तो भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को आप खेलते हुए देखेंगे श्रीलंका के T20 मैचेस में, और ये जो T20 के मैच हैं वो 27 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद 28-30 को, मतलब ये चलते रहेंगे जब तक ये T20 के मैचेस होंगे, और इसमें उसके बाद भाई श्रीलंका के साथ ODI के मैचेज स्टार्ट होंगे अगस्त के अंदर। तो इस टीम में जो है हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी नहीं दी गई है, हालांकि उन्होंने T20 जो वर्ल्ड कप था उनका बहुत ही अहम रोल था उसके फाइनल में भी, और जितने भी मैचेस थे उनकी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। बाकी के प्लेयर्स की बात करें तो इसमें यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज हैं।